मेरे कार में समझ में नहीं हो रही क्या ही हो रहा है कंट्रोल खोरो मस्कार से। ओ माई गॉड गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह घास फूस उग चुकी है। काए 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 ए भगवान सारे गए सारे गए। तो गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। ओ भाई साहब क्या ही पूछ रहे इसके अंदर। अच्छा अच्छा सब बच्चा सब पिटोगे हो भाई। गाइस गाइस उन्होंने मेरी कार पलटा दी भाई, क्या कर रहे हैं, मुझे कार पलट जाएगी। अरे 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 मुझे कार गई, मेरी कार गई। शिट 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 शिट, ओ माय गॉड। ये रहा यार नीचे का रास्ता, ये रहा कहां जा रहा हूं मैं भाई, ये रहा नीचे का रास्ता। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड भाई यहाँ पे तो एमओ ही एमओ है। ओ भाई सब भाई फ्रैंकलिन साहब ने बोला भाई उसके पीछे से मत निकालियो, प्लीज अपना स्टंट मत दिखा, तेरे पास एक ही ग्लाइडर है भाई चोप को बचाने के लिए। ओ माय गॉड ओ माय गॉड। सो फाइनली गाइस आप सभी लोग आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप सभी को पता ही हो कि हमारी GTA 5 के अंदर कुछ हफ्तों से फैल चुके हैं ज़ॉम्बीज, जिसकी वजह से हम अपनी GTA 5 के अंदर जी भी नहीं सकते। सो गाइस अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर एक मिलिट्री बेस कैंप में रह रहे हैं और उनकी पूरी फैमिली भी उन्हीं के साथ है, जैसा कि आपको लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा। बट गाइस उसी वक्त अपने फ्रैंकलिन के दिमाग में ख्याल आया यार अपने साथ एक बंदर रहता था जिसका नाम चोप था भाई, वो हमारे साथ बचपन से रह रहा है भाई, मैं उसको कैसे भूल गया। सो गाइस अपने फ्रैंकलिन जल्दी से वहां से कार उठाई और जल्दी से अपने घर के अंदर आ गया। बट गाइस जैसे अपने फ्रैंकलिन दादा अपने घर के अंदर आए, हमने देखा कि अपना चोप ज़ॉम्बी बन चुका था। तो गाइस इसलिए मैंने अपने चोप को इन जालियों के बीच में बंद कर दिया है, क्योंकि गाइस मुझे चोप काटने की कोशिश कर रहा था भाई। चोप तो क्यों ज़ॉम्बी बन गया यार, तुम फ्रैंकलिन की शक्ल देखो भाई, फ्रैंकलिन तो रो मत। सो गाइस हमने अपने माइकल दादा से बात कर लिया, माइकल दादा कह रहे भाई हमारे GTA 5 के अंदर जानवरों के लिए वैक्सीन बन चुकी है, बट जो वो साइंटिस्ट है वो ओशन के बीचों बीच रहता है। सो गाइस हमें जल्दी से उस साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और अपने बेचारे चोप के लिए वैक्सीन लानी पड़ेगी। चोप भाई तू टेंशन मत ले, तू नहीं मरेगा भाई, हम जल्दी से चलते अपने घर के बाहर। और गाइस इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एनीवेज गाइस अब हम चलते हैं अपने घर के बाहर। ओह माय गॉड का यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं है। सो गाइस ये वाला बॉक्स मैंने अपने हाथ से लगाया ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। ओह माय गॉड कहाँ ज़ॉम्बी, ए मत कूद आगे ऐसे। ओ भाई साहब गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं वो रहा एक ज़ॉम्बी, ए हट हट ए आ गई गई गई, और वो ज़ॉम्बी नहीं है, गया गया ये भी किया। अब हम निकलते हैं नीचे। अरे बाप रे बाप ये ज़ॉम्बी कहां से आ गए, इनको देखा ही नहीं मैंने। शिट 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 भाई जल्दी से मुझे अपनी कार लेनी पड़ेगी। अबे गलती खोल, अबे क्या हो गया, खुल क्यों नहीं रहा ये, खुल 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 जल्दी खुल। ओ माय गॉड ओ माय गॉड। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये रही अपनी कार जो कि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। ओ भाई ले मेरा गेट गया, मुझे जल्दी से अपना गेट ठीक करवाना पड़ेगा। ओ माय गॉड गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बी हैं, मुझे जल्दी से ओशन के बीच में जाना पड़ेगा ताकि मैं अपने चोप को ठीक कर पाऊँ। अरे 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 अरे। सो गाइस कमेंट में लिख के जरूर बताने की आपको ये कार कैसी लगी। ओ भाई साहब अभी मैं इसके ऊपर और भी मॉडिफाई करवाऊंगा। गाइस जो भी मुझे अपने घर के अंदर मिला मैंने सब कुछ लगा दिया, चाकू थोपड़ा सब कुछ जो मुझे मिला चक्कू लगा दिया भाई मैंने साइड में। तो ओ माय गॉड ओके। सो गाइस मैं जल्दी से यहाँ पे साइड में जाना पड़ेगा। ओ बेटे इतने सारे ज़ॉम्बी। सो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं एमुनेशन की शॉप पे, क्योंकि मेरे पास एक भी गन नहीं है। ओ माय गॉड ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और गाइस मेरे पास एक भी गन नहीं है। सो गाइस हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गन की शॉप में। ओ भाई साहब इतने ज़ॉम्बी कहां से आ रहे हैं। हट 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 एक मिनट रुक, मैं अपने कार के ऊपर भाई जल्दी फ्रैंकलिन भाई जल्दी खड़ा हो। ओ भाई साहब ओ माय गॉड क्या है निकल चल। अरे तो बहुत सारे आगे मुझे बैठ जल्दी फ्रैंकलिन अपनी कार के अंदर बैठ भाई अपने साथ आज माइकल ड्राइवर भी नहीं है। अबे भाई ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, मेरे पास गेट भी नहीं आ रहा, गेट छोड़ मेरा। ओ माय गॉड अबे ओके गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी एमुनेशन की शॉप पे। ओ बेटे ज़ॉम्बी भागते हुए आ रहे, रुक 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 क्या है भाई कहाँ गई अपनी एमुनेशन की। ओके गाइस ये रही अपनी एमुनेशन की शॉप। अबे भाई तू क्यों मार रहा है, अच्छा अबे भाई हजार जल्दी चलते हैं अपनी एमएस की शॉप पे। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं शॉप के अंदर कोई भी नहीं है। ओ माय गॉड भाई मैंने गेट बंद कर दिया ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना सके। ओ माय गॉड मैं यहाँ से कोई से भी गन उठा सकता हूँ, क्या ही बात है। आप भाई देखो मैं यहाँ से अपनी जेब के अंदर ये गन ठोक लूंगा। सो गाइस फाइनली मैंने इस गन के शॉप पर से भाई सारे गन ले लिया अपने पास। ओ माय गॉड कहीं पास ज़ॉम्बी तो नहीं है। अरे 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 भाई बाहर निकलती मेरे ज़ॉम्बी की बरसात हो गई। ओ माय गॉड अबे क्या टेंशन ले रहे, सब गन ले ली मैंने अपने पास। अबे मर भाई मार क्यों नहीं रहा ये। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड भाई इनके साथ मुझे इनके ऊपर मुझे हेडशॉट देना पड़ेगा। अबे मर जाओ भाई क्या खा के आए हो आज, जल्दी से गाइस हम अपनी कार के अंदर बैठते हैं। ओ माय गॉड इन्होंने मेरी कार की क्या हालत कर दी भाई साहब, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। ओ माय गॉड भाई मेरी कार में समझ में नहीं हो रही क्या ही हो रहा है, कंट्रोल खोरो मैं इस कार से। ओ माय गॉड गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह घास फूस उग चुकी है,
भाई मुझे जल्दी से अपनी मेज बैंक की बिल्डिंग के ऊपर जाना है क्योंकि वहीं पे मेरा एक एयरप्लेन खड़ा हुआ है भाई, उसके बिना मैं ओशन के बीच में नहीं जा सकता। ओ माय गॉड भाई, ऐसे मेज बैंक की बिल्डिंग का रास्ता कहाँ गया, मैं तो भूल गया इसके चक्कर में, भाई मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। ओके 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 भाई, यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है ना, कोई ज़ॉम्बी नहीं है यहाँ पे कोई। ओ माय गॉड, ओ शिट शिट शिट, जल्दी अपनी कार के अंदर बैठ फ्रैंकलिन। ओ भाई साहब, यहाँ पे ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं भाई, सब बंदे सो रखे थे, मैंने इनको जगा दिया आवाज करके, मेरी यहाँ पे कहाँ निकल पाएगी। ओम भाई साहब, ओ भाई, ओ ओ ओ ओ, जल्दी 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 फ्रैंकलिन जल्दी। ओके 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 भाई, मेरी कार टूटने वाली पूरी तरीके से। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मुझे लॉस सैंटोस के रोड पे घूमते घूमते भाई सुबह से शाम होने वाली है, और मुझे भाई अपने लॉस सैंटोस का रास्ता नहीं मिल गया, मैं भूल गया। ओ माय गॉड भाई साहब, क्या ही सीन है यहाँ पे। ओके ओके ओके, शिट 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 शिट, गाइस गाइस, मुझे मेरी कार पलटा दी भाई, क्या कर रहे हैं, मेरी कार पलट जाएगी। अरे 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 अरे, मुझे कार गई, मेरी कार गई, शिट 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 शिट। ओ माय गॉड गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरी कार पलटा दी, मुझे जल्दी से अपनी कार के बाहर आना पड़ेगा। अबे हट जाओ भाई, उधर से निकल जाता फ्रैंकलिन। अरे अरे, निकलो निकलो निकलो, ए भगवान कहां से आ गए सारे ज़ॉम्बी। ओ भाई साहब, और ये अपनी मेजबान की बिल्डिंग कहां है, कहां है अपनी मेजबान की बिल्डिंग, कहां है। ए ए ए, ज़ॉम्बी आ रहे हैं, ये बंदा कौन आया, अबे ये कौन है, अबे ये बंदी मेरे को क्यों मार रही है भाई, अबे तू तो ज़ॉम्बी नहीं है, मर जा मर जा। ए भक्त यार, मुझे अपनी तोप निकालनी पड़ेगी, तोप कहां है, येरी 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 येरी, काए 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 काए, ए भगवान, सारे गए सारे गए। ओके गाइस, हमने सभी ज़ॉम्बी को मार दिया, अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी मेज बैंक की बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर खड़ा है हमारा एयरप्लेन। ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं अपनी मेज बैंक की बिल्डिंग के ऊपर, और हम यहां से लेते हैं अपना एयरप्लेन। भाई ये क्या दे दिया हमें माइकल दादी ने, यार माइकल ने कहा था यहाँ पे ऊपर एक हेलीकॉप्टर एयरप्लेन खड़ा होगा। ओ माय गॉड गाइस, मैं ओशन के बीचों बीच इससे कैसे जाऊंगा। कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास ही लास्ट चांस बचा है अपने चोप को बचाने के लिए, भाई मुझे यही हेल्प करनी पड़ेगी गाइस, मुझे इसी के अंदर बैठ के जाना पड़ेगा अपने ओशन के अंदर। ओ माय गॉड भाई, ये उड़ तो जाएगा ना, क्या आई भाई फ्रैंकलिन, तैयार है तू। ओके गाइस, तो हम चलते हैं फाइनली अपने ओशन के ऊपर। ओके, अरे 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 भाई, तो उड़ रहा है, ओ भाई साहब ये उड़ रहा है गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये उड़ रहा है, मुझे लगा उड़ेगा भी नहीं। ओ माय गॉड, क्या ही स्पीड है इसकी, ओ भाई साहब क्या ही पूछ लगा इसके अंदर। ओ माय गॉड, माइकल दादा ने तभी इसको ऊपर खड़ा किया था अपने मेज बैंक के बिल्डिंग के ऊपर। ओके गाइस, माइकल तो भाई बड़ा अच्छा निकल गया। ओके गाइस, तो हम सीधा निकलते हैं अपने साइंटिस्ट के पास, जो कि हमें चोप के लिए वैक्सीन देने वाला है फुल बूस्ट ऑन। ओ भाई साहब, भाई फ्रैंकलिन नीचे मत गिर जाइए भाई, नीचे ज़ॉम्बी तरह वेट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, फ्रैंकलिन सामने पुला भाई, उसके बीच उसे मत निकालो प्लीज, अपना स्टंट मत दिखा, तेरे पास एक ही ग्लाइडर है भाई चोप को बचाने के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, हमें इसके नीचे जाना पड़ेगा। ओ तेरी ओ तेरी, ओ भाई, अरे 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 अरे, बच गया बच गया बच गया, अपना फ्रैंकलिन बच गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके 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 गाइस, तो हम फाइनली जा चुके। ओ भाई साहब, हमने इस ब्रिज के नीचे से अपना ये ग्लाइडर निकाल लिया। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपने साइंटिस्ट के पास। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं उस साइंटिस्ट के पास जहां पे वो शिप में रहता है। ओ माय गॉड भाई, कहां पे रहता है ये, ओशन के एकदम बीचों बीच, इसका सही है भाई, यहां पे ज़ॉम्बी आ भी नहीं सकती है। ओ माय गॉड गाइस, हमें भी ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर को, हमें अपनी पूरी फैमिली किसी ऐसे ही एकदम शिप पे लानी पड़ेगी, तभी हम लोग सेफ रह सकते हैं, वरना भाई लॉस सैंटोस के अंदर सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं भाई साहब। साइंटिस्ट का तो भाई अलग ही सीन है। वो भाई आराम से मुझे लैंडिंग करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। ओके ओके, आराम से आराम से फ्रैंकलिन, आराम से। ओ माय गॉड गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी। ओके गाइस, तो उन्होंने मुझ पे इसलिए हमने निकला, इन्हें पता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ भाई, वरना ज़ॉम्बी ये कमा सकता है। ओ माय गॉड गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, क्या क्या खड़ा है यहाँ पे, सब कुछ एयरप्लेन ही खड़े हैं, और गाइस अभी इसके नीचे भी खड़े हुए हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं सबसे पहले एक साइंटिस्ट के पास, जिससे हमें वो वैक्सीन लेके आनी है अपनी जॉब के लिए। ओ माय गॉड भाई, के यहाँ पे ज़ॉम्बी तो नहीं है ना। ओ माय गॉड, ये रहा यार नीचे का रास्ता, ये रहा कहाँ जा रहा हूँ मैं भाई, ये रहा नीचे का रास्ता। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे तो एमओ ही एमओ है। ओ भाई सब, ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपने साइंटिस्ट के पास। सो गाइस, फाइनली हमने इन डॉक्टर से बात कर ली, और गाइस हमने इनसे वैक्सीन भी ले ली अपने चोप के लिए। तो डॉक्टर भाई थैंक यू यार, तुम जो भी हो साइंटिस्ट डॉक्टर, गाइस उन्होंने हमें वैक्सीन दे दी अपने चोप के लिए।
सो गाइस अब हम जल्दी से निकलते हैं अपने चौक के पास। कहाँ गया भाई मेरा घर? ओके गाइस सबसे पहले हमें चढ़नी पड़ेगी लंबी लंबी सीढ़ियाँ। ओ माय गॉड भाई, अगर मैं इनके जेट लेके जा पाऊँ तो यार सही रहेगा, मैं इनसे एक बार बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं यार नहीं गाइस, मैं इनका जेट लेके नहीं जा सकता क्योंकि मुझे वहाँ पे लैंडिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। वो छोटा सा लाइडर तो मैं अपने घर पे भी आराम से लैंड कर सकता हूँ। ओके गाइस तो मैं अपने यहाँ से लाइडर लेके जाने वाला हूँ। ओ भाई साहब कहाँ गया भाई का रास्ता? ओके ये रहा ये रहा ये रहा भाई मिल गया, मेरा वाला दस्तर कहाँ गया भाई? बोल रहा भाई मेरा ग्लाइडर बोल रहा। ओके गाइज तो हम चलते हैं अपने ग्लाइडर के पास। भाई ग्लाइडर जल्दी आ रहा हूँ मैं तेरे पास। सो ओके गाइज अब हम बैठ चुके हैं अपने ग्लाइडर के अंदर वैक्सीन लेके अपने चोप के लिए। सो गाइज अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। ओ भाई साहब क्या ही बूस्टर है इसके अंदर। अच्छा सब पिटोगे हो भाई? बाय बाय थैंक यू मेरे चोप के लिए वैक्सीन देने के लिए। गाइज अब हम अपने चोप को बचा सकते हैं। ओ माई गॉड तो गाइस हमें किसी ऐसी शिप की जरूरत है जहाँ पे अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवलर की पूरी फैमिली रह सके। ओ माय गॉड सो गाइस हम निकलते हैं वापस से अपने लॉस सैंटोस। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं फ्रैंकलिन अपने घर पहुंचने वाला है। ओ माय गॉड भाई क्या ही व्यू आ रहा है लॉस सैंटोस में। शहर से मैं अकेला हूं जो ऐसे घूम रहा हूं भाई अपने हवा के अंदर। ओ माय गॉड मेरा घर कहां पे गया भाई? सही स्पीड है ग्लाइडर के भी, कहां जा रहा है भाई? ओ भाई कहां जा रहा है? ए पागल मरेगा तू। अरे भाई कहां ही जा रहा है, क्या ही कर रहा है भाई? फ्रैंकलिन आराम से, मुझे पता है तो वैक्सीन लेके आ चुका अपने चोप के लिए। खुशी कम दिखा भाई, खेल जाएगा। अरे मेरा घर आने वाला है, भाई कहां गया मेरा घर? मुझे भी नहीं पता। ओ माय गॉड शायद से नीचे पे है। गाइस ये रहा मेरा घर, फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ओ माय गॉड आराम से लैंडिंग आराम से कर भाई। फ्रैंकलिन लैंडिंग आराम से कर, क्या ही कर रहा है? अरे सो गाइस मैं जल्दी से अपने चोप को ठीक कर देता हूं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस आप सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते यार, दबाते करो, क्या ही जाता है अपने फैन की ना भी लिया। सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।